हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2. चैप्टर 2 इज द अर्लीस्ट पीपल. इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट फ्लेक टूल्स एंड प्रीवियस पार्ट वी रीड अबाउट कोर टूल्स. अब फ्लेक टूल्स क्या होते हैं? फ्लेक टूल्स वर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस और फ्लेक्स दैट ब्रोक ऑफ व्हाइल मेकिंग कोर टूल्स. अब क्या, कोर टूल्स बनाने के बाद जो छोटे छोटे फ्लेक्स के शेप में जो टुकड़े बच जाते थे उनसे क्या बनाया जाता था? फ्लेक टूल्स. फ्लेक ऑफ स्टोन दैट वाज टू बी शेप्ड एज ए टूल्स वाज प्लेस्ड ऑन ए हार्ड सरफेस. अब जो ये फ्लेक टूल्स होते थे इनका यूज़ कैसे किया जाता था? किसी भी टूल्स को शेप देने में इसका इस्तेमाल किया जाता था. एंड अ पॉइंट पीस ऑफ स्टोन और वुड वाज प्लेस्ड ऑन इट एज ए चीज़ल. देन अदर पीस ऑफ स्टोन वाज यूज्ड एज ए हैमर टू गिव इट द डिज़ायर्ड शेप. तो हमने क्या देखा कि जो फ्लेक टूल्स होते थे वह कोर टूल्स के बनाने के बाद जो छोटे छोटे फ्लेक्स की शेप में जो टुकड़े होते थे उनसे फ्लेक टूल्स बनाए जाते थे. और फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल टूल्स को शेप देने में किया जाता था या किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. जैसे कि हैमर को एक डिज़ायरेबल शेप किसके द्वारा दिया गया? एक फ्लेक टूल्स के द्वारा. फ्लेक टूल्स वर यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट. अब फ्लेक टूल्स का यूज़ किस में किया जाता था? चॉपिंग मीट, मतलब जो फ्लेक टूल्स होता था वो नाइफ का काम करता था. नाइफ जैसे कि प्लेट होता है, फ्लेक के शेप में होता है, इसी तरह से जो फ्लेक टूल्स होते थे उनका यूज़ भी चॉपिंग मीट्स मीट को काटने में एंड स्किनिंग एनिमल और एनिमल की स्किनिंग करने में इसका यूज़ किया जाता था. Now we read about discovery of fire. This is the most important invention of the early human. Discovery of fire. Fire was one of the greatest and most important discoveries of the Paleolithic age. Paleolithic age की सबसे important और greatest जो discovery थी is called discovery of fire. Traces of ash have been found at some Paleolithic sites which lead us to the conclusion that human beings had learned how to make fire during the Paleolithic age. अब हमें कैसे पता चला कि Paleolithic age में ही जो human beings थे उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था? कैसे पता चला कि जो Paleolithic sites थी वहाँ पर क्या मिला? Traces of ash, वहाँ पर राख, जली हुई राख मिली. और उस राख के थ्रू हमारे जो साइंटिस्ट थे या आर्क्योलॉजिस्ट थे वह इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो पैलियोलिथिक एज थी उसमें अर्ली ह्यूमन ने क्या डिस्कवर कर लिया था? फायर को डिस्कवर कर लिया था. फायर वाज प्रोबेबली एन इंसिडेंटल डिस्कवरी. अब क्या निष्कर्ष निकाला और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फायर है या फायर का जो इन्वेंशन है वो कैसे हुआ होगा? प्रोबेबली एन इंसिडेंटल डिस्कवरी है, एक इंसिडेंटली या आकस्मिक होने वाली डिस्कवरी थी. वाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन, जब हम दो पीसेज ऑफ स्टोन, दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं और वुड टूगेदर या लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं, स्पार्क्स मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस. तो उसमें क्या होती है? एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है, चिंगारी प्रोड्यूस होती है. द अर्ली ह्यूमंस माइट हैव रियलाइज दैट दीज स्पार्क्स क्रिएटेड फायर. और इसी जो स्पार्क है इससे ह्यूमन बींग को आइडिया आया होगा. किसका? फायर का आइडिया आया होगा. विच कुड बी यूज टू स्केयर वाइल्ड एनिमल. और इसका यूज़ उन्होंने सबसे पहले किस में किया होगा? वाइल्ड एनिमल को डराने में, वाइल्ड एनिमल को अपने से दूर रखने में. टू कुक मीट, मीट को पकाने में. प्रोवाइड लाइट एट नाइट, नाइट टाइम में लाइट के लिए. एंड कीप देम वार्म इन विंटर, और अपने आप को विंटर्स में गर्म करने के लिए इसका यूज़ किया होगा. नेक्स्ट मीसियोलिथिक एज. हमने अभी हम पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, पैलियोलिथिक एज के टूल्स के बारे में पढ़ा, पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी रीड अबाउट मीसोलिथिक एज. द मीसोलिथिक एज और द मिडिल स्टोन एज बिगन आफ्टर द पैलियोलिथिक एज. मीसोलिथिक एज की शुरुआत कब हुई? पैलियोलिथिक एज के बाद. व्हेन द क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग वार्मर. देखिए, व्हेन द क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग वार्मर, जब जो क्लाइमेट था वो कैसा होना शुरू हो गया? गेटिंग वार्मर, गर्म होना शुरू हो गया. द मीजोलिथिक एज फॉल्स बिटवीन द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज. जो मीजोलिथिक एज है वह लास्ट आइस एज के बाद में पड़ने वाली एज है. एंड द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर. और इस एज में क्या शुरू हुआ था? बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत हुई थी. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, और इस पीरियड को ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है.
मीजोलिथिक पीपल लिव्ड इन हंटिंग गैदरिंग एंड फिशिंग. जो मीजोलिथिक पीपल थे वो भी पेलियोलिथिक पीपल की तरह ही क्या करते थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे एंड फिशिंग करते थे. वाइल ओल्डर टूल्स वर स्टिल इन यूज, और जो पैलियोलिथिक एज में टूल्स बनाए गए थे उन्हीं टूल्स का ये लगभग यूज करते थे. ह्यूमन बींग्स लर्न टू मेक बेटर टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. इन्होंने अपने टूल्स को थोड़ा अपडेट कर लिया था इस एज में. द मीजोलिथिक एज सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन टूल्स. इस एज में कुछ अलग अलग तरह के टूल्स देखे गए कॉल्ड मीजोलिथ्स, और इन जो डिफरेंट टाइप के जो टूल्स थे इनको मीजोलिथ्स कहा गया. माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रोलिथ्स कहा गया. जो माइक्रो वर्ड है इसका मतलब होता है स्मॉल स्मॉल. माइक्रोलिथ्स वेरी यूजफुल स्मॉल स्टोन टूल्स फिक्स ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड. अब जो मीजो माइक्रोलिथ्स होते थे वो क्या होते थे, छोटे छोटे पत्थर्स होते थे, शार्प पत्थर्स. इनको फिक्स्ड कर दिया जाता था किसके हैंडल में, या तो जानवरों की बोन से बने हैंडल में या वुड से बने हैंडल में इन छोटे छोटे पत्थरों को या टूल्स को फिक्स कर दिया जाता था. सच एज स्पेयर्स, एरोज एंड सोज. इस तरह के जो टूल्स थे वो मीजोलिथिक एज में डिस्कवर किए गए थे और इनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं. दीज न्यू टूल्स एंड वेपन्स इम्प्रूव्ड एंड टेक्निक्स ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. अब इन नए टूल्स का इस्तेमाल किस में होने लगा, हंटिंग और गैदरिंग में होने लगा. और जो हंटिंग और गैदरिंग की जो टेक्निक्स थी वह चेंज हो गई इन हथियारों की मदद से. ग्रेजुअली पीपल बिगन यूजिंग वाइल्ड ग्रेन्स एज द फूड एंड द स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल. अब यह वही एज थे जिसमें जो ओल्ड ह्यूमन थे या अर्ली ह्यूमन्स थे उसने क्या शुरू किया था, खेती शुरू की थी. उसके पास जो वाइल्ड ग्रेन होते थे या जंगली जो अनाज होता था उसके थ्रू उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया. डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पालना शुरू किया. दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी लेड देम टू सेटल इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अब जब उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो वो एक जगह पर काफ़ी दिनों तक रहने लगा, सेटल होने लगा. अब सपोज भाई हम अपने आसपास एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा, हमें उस स्थान पर रहना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उसने भी क्या करा, एग्रीकल्चर की. तो वह एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रहने लगा. बाय द एंड ऑफ द मीजोलिथिक एज ह्यूमन बिगन सीम्स टू बी मूविंग टूवर्ड्स अ मोर सेटल्ड लाइफ. अब जो मीजोलिथिक एज थी उसमें हमने देखा कि जो ह्यूमन बींग्स थे वह इधर उधर मूव नहीं हो रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, मोर सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे.